So back to what I was saying. Could be us. हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? तो तुम्हारा भाई न्यू वीडियो के साथ आ चुका है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हमारे किस टॉपिक पे आज वीडियो होने वाली है। तो आप लोग बहुत मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई जो आपने BTS वीडियोस बनाई है तो उसका ट्यूटोरियल लेके आओ मेरे साथ, पूरा मतलब जो भी है तो उसका पूरा ट्यूटोरियल लेके आओ। तो मैं सिंपली आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ और बिना स्किप करवे आपको पूरी वीडियो देखनी है। और कुछ भाई लोग कह रहे थे कि भाई आप पूरी वीडियो लेके आओ ट्यूटोरियल, तो भाई लोग ऐसा बात नहीं है कि मैं पूरा फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो सिंपली आप लोगों ने देख लिया होगा कि मतलब इसमें क्या क्या लगने हैं, क्या क्या, जैसे भी आपने देखा होगा रिसेंटली, मतलब पीछे भी वीडियोस वगैरह वीडियो जो जो डाली है तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी आधी एडिटिंग सीख के फिर इस वीडियोस को देखना। क्योंकि इस वीडियोस में आज मैं तुम्हें इफ़ेक्ट और स्काई में कैसे लगाते ये बताऊँगा। तो बीट वगैरह पर तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या सेटअप करना है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ VN ऐप में और वहाँ पर आधी एडिटिंग करके फिर चलते हैं इफेक्ट क्यों VN ऐप ओपन कर लेते हैं। इसमें फिर आपको आगे की एडिटिंग बताता हूँ। तो आप लोगों को मतलब यहाँ पे आपका VN ऐप ओपन होने के बाद अब आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जैसा है कि रोज का आपको बता रखा है मैंने। तो सिंपली आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि क्या रीज़न है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम चल रहा है मतलब इस फ़ोन में, आईफोन में। तो मतलब ऐसा कुछ सीन है कि मतलब इस फ़ोन में मेरे मतलब स्टोरेज कम है, तो इसी प्रॉब्लम से मैं इस वीडियोस को मगर जितनी भी थी जो व्लॉग मैंने डाला था उसके चक्कर में मेरे को सारी चीज़ें उड़ानी पड़ गई, डिलीट करनी पड़ गई। इसी चक्कर में मैंने तो इसीलिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, मैं और कोई सी वीडियोस करके दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर देना अपने भाई को। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बहुत ही हार्ड आने वाली है, लोग बस ऐसे सब्सक्राइब कर दे रहो, अपने भाई को प्यार कर दे रहो। तो इससे ज़्यादा तो हम वीडियो ले लेते हैं। तो वीडियो आने के बाद हमारी अब इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आपको ओरिजिनल वाला दिख रहा होगा, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 9.16 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे रील्स वगैरह इसी से ही मतलब परफेक्ट पोस्ट होती हैं। जब आपका इतने ये हो जाए तो अब जहाँ से आप चल रहे हो, मतलब मैंने ये जो बता रहा हूँ आपको, तो मतलब मैं इसको यहाँ से कट करना चाहूँगा। तो ये मेरा ये पार्ट रह गया था इसलिए कि मैंने इसे बचा के रखा था, तो इसको डिलीट कर देना इतने पार्ट को। अब इसके बाद अब आपको जो इतना पार्ट बच जाए, अब इसके बाद अब आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना इस साइड वाले हिस्से को। मतलब आपको नहीं करना है कि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे पास ये वाला ही पार्ट है। आप लोग देखो नेचुरल एडिट करना बिल्कुल, जो भी मैं जो मैं उस वीडियोस वगैरह में मतलब जो भी वीडियो आपने प्रीव्यू में देखा होगा तो वो सारा इसमें मैं, क्योंकि इस वीडियो में मतलब आपको स्काई लगाना मैं सिखाऊंगा और कहाँ से क्या करना है, क्या डाउनलोड करना है, क्या करना है, सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और कलर ग्रेडिंग मतलब जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कहाँ से, मैं सब बताऊंगा। तो बिना देरी करते वीडियो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला नंबर है हमारा स्काई, जो स्काई के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, स्काई में आपने जो पीछे लगाया वो कैसे लगाया, क्या करा। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने यूट्यूब को ओपन करके वहाँ सर्च करने। तो चल दो यूट्यूब के ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आपको सर्च बार पर पता है क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है VJ3D Lupsi। तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, मेरे को मिल गया होगा सर्च पे, आपने टाइप करा होगा 3D VJ Lupsi। तो आपको ये टाइप करना है सिर्फ। इसके बाद अब आपको यहाँ पे देखने को बहुत सारे 3D VJ Lupsi इस पे 2022 पे, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो आप यहाँ से बहुत सारे कोई सा भी जो रवि लगाता है वो जितने भी रवि लगाता है अपने बैकग्राउंड पे, जो भी 4Ks वगैरह वगैरह, तो बैकग्राउंड में क्या लगाता है ये सब है छूतिया पा, मतलब रवि कुछ भी नहीं है यार, बस वो थोड़ा VFX डाल देता तो थोड़ा मतलब, इसलिए उसकी वीडियो अच्छी लगती है। और वो आईफोन 12 से बनाता है प्रो, इसलिए उसकी वीडियो थोड़ी शेडिंग अच्छी दिखती है। कलर ग्रेडिंग भी बताऊँगा रैप कवर में, कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब बताऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसी बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कोई से भी एक वीडियो ले लेता हूँ जल्दी से।
तो सिंपली हमारा प्रोजेक्ट वहाँ से देख लिया होगा आपने 3D लूप से, आपको सर्च करना है जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था और लगाना भी बताया था। जो अब रवि जो रवि लगाता है तो मैं बता रहा हूँ कैसे लगाना है स्काई में और कैसे परफेक्टली बैठाना है। तो सबसे पहले आपको ऐसी वीडियो शूट कर लेनी जैसा कि आपने देखा होगा BTS में कैसे शूट करते हैं क्या करते हैं, तो आपको मतलब ऐसे शूट करना है जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा दिखे और अपना भी थोड़ा सही दिखे। तो ऐसे दूर से 3D एंगल में आपको लेना है। तो सिंपली पहले मैं इसको स्लोमो कर लेता हूँ। स्लोमो करने के बाद वो आपको सिंपली यहाँ पे आप तो सिंपली अब आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है अपने को वो सेटअप कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ मतलब पीछे का कैसे लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप टू ऐड स्टिकर पे टाइप करना है और यहाँ से स्टिकर्स वाले पे टाइप करने के बाद अब यहाँ पे आपने जो वो डाउनलोड करा होगा वो आ गया होगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, रोटेट करने के बाद इसको इधर लगाएंगे और इसको छोटा हम कर देंगे मतलब ज़्यादा नहीं छोटा। तो छोटा करने के बाद इसको साइड में करने के बाद अब यहाँ पे आपको जैसा कि मास्क का ऑप्शन बताया था मैंने, मास्क का ऑप्शन पे जाना है और लाइनर वाले पे आपको टाइप करना है। और लाइनर वाले टाइप करने के बाद इसको एकदम 88 पे करने के बाद अब इसको थोड़ा इतना बहुत है बस इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एक बार इसको भी टाइप करके देख लेना आपको अच्छा लगे तो ठीक है। और ना यहाँ पे भी आपको दो इफेक्ट मिलते हैं डिफरेंस और एक्सलेंस, तो आपको इस वाले पे या इस वाले पे देखने को कर लेना। तो मैं इस वाले पे ठीक कर लेता हूँ। तो सिंपली इस पे टाइप करने के बाद तो एक बार आपको वीडियो देख लेनी है। तो ये भाई लोग आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस मतलब रैप कर्व में आप लोग लगा सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लोग रिवर्स करके फिर दोबारा वीडियो देख लो कैसे क्या सेटअप करना है, इसमें क्या लगाना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा मतलब इसमें पीछे का बैकग्राउंड में ऐसे हमारा कलर ग्रेडिंग और मतलब वो लगाते हैं बैकग्राउंड में, तो कहाँ से क्या डाउनलोड करना है और कैसे क्या करना है। तो आपने देख लिया होगा 3D लूप से सर्च करना है और आपको ऐसे ला के यहाँ पर लगा देना है कोई सा भी रैप कवर हो। तो आपको ऐसे करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो बीट के ऊपर जैसी वीडियोस वगैरह आए आप उसको यहाँ से कट करके स्प्लिट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था मोशन वाला इस पर टाइप करने के बाद इसको इस पर डबल वाले पर क्लिक करना है और इसको साइड में जाना है, आपको फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है और उसको साइड में ऐसे लेके आ जाना है। लाने के बाद अब आपको यहाँ से मोशन वाले पे जाना है और लुप एनिमेशन पे जाना है लास्ट वाले पे और ग्लीनिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको एकदम 1SS पे कर देना। 1SS करने के बाद इसको थोड़ा रोटेट कर देना और बड़ा इसको कर देना बड़ा साइज़, ठीक है। और जो हमारा इसका कटता हो उसको एक बार वीडियो देख लो। तो आप लोगों ने देख लिया होगा मतलब ये जो हमारी ब्लीनिंग सी हो रही है, तो ये जैसे रवि करता है वो ऐसे यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो ही बताना है किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग को। यार मैं क्या बताऊँ, रैप कवर बस हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आपको एडिटिंग करनी है, मेरे वीडियो देख देख के करनी है। तो ऐसे ज़्यादा कुछ और नहीं है। और कलर ग्रेडिंग का बताऊँ तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे आपने फ़ोन में शूट करी जो रवि कलर ग्रेडिंग करता है वो फ़िल्टर में जाता है, सिंपली वो फ़िल्टर में जाता है और यहाँ से पहले सेटअप करके अपना देखता है कि कौन सा कलर ग्रेडिंग सही रहेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई सा भी आप लोग ऐसे सेटअप करने के बाद इसको कम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से एडजस्ट ऐसे आपको कर लेने के बाद थोड़ा इधर राइट में इधर उधर करने के बाद थोड़ा सा तो आपको ऐसे सेटअप मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे एक बार वीडियो बना सकते हैं अपनी भी और किसी की भी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे वीडियो बनती है हमारी रैप कवर पे। और ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैंने जो पिछली वीडियो लाई थी वो ऐसे ही थी और जो मैंने रिसेंटली जितनी भी वीडियो अपलोड करी हैं वो भी आप लोग चेक कर सकते हो बीट पे क्या कैसे करते हैं। तो फिर पूरा मिक्स करके आप लोग वीडियो तैयार कर सकते हैं अपना, क्योंकि यार मेरे पे बहुत सारे DM आ रहे हैं कि भाई इस रैप कवर हटा के और कुछ भी बताओ ये वो। तो सिंपली रैप कवर वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है, और कुछ इसके बारे में जानना हो तो Instagram पे DM कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।